गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विज्ञान क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राम बाबू सर विज्ञान के अगले टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। आपके ह्यूमन सिस्टम का अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा अपना तंत्रिका कोशिका व अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स जो है ये हमारे मानव के शरीर के अंतर्गत आवेगों को वातावरण से ग्रहण करके व आंतरिक आवेगों को अपने आप में ग्रहण करने के बाद में, उद्दीपनों को ग्रहण करने के बाद में मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि डायग्राम मैंने बनाया हुआ है बोर्ड के ऊपर, आप देख सकते हो इसमें इसके विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं जिन पार्टों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की जीके के दृष्टिकोण से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका होती है। डियर स्टूडेंट्स, तंत्रिका कोशिका मानव के शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका का जो कार्य होता है वो कार्य होता है वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करना। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि उद्दीपन होता क्या है, संवेदना रूपांतरण में अगर हम करें बात, जैसे धूप का एहसास हो रहा है तो इसके प्रति हम जो क्रिया करेंगे उस क्रिया का रूपांतरण उद्दीपन को प्रेरित करता है। तंत्रिका कोशिका में मानव शरीर की जो प्रक्रिया होती है ये बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके और बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के उपरांत ये तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र भी एक तरीके से हमारे लिए विद्युत आवेग प्रदान करने का ये कार्य करती है। मानव के शरीर की तंत्रिका कोशिका जो होती है, तो ये तंत्रिका कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की, ये क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र की, अब हमने पिछले उसमें पढ़ा था तंत्रिका तंत्र और आज हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है तंत्रिका तंत्र की, वो तंत्रिका कोशिका होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेतों को भेजने का कार्य करती है। ये संदेश भेजने का कार्य करती है। ये संदेश भेजने का कार्य करती है मानव के शरीर के अंतर्गत। तंत्रिका कोशिका के जो प्रमुख भाग पाए जाते हैं उनमें सबसे पहला जो भाग होता है वो भाग होता है कोशिका का है। ये जो पूरा भाग बना हुआ है डियर स्टूडेंट, ये जो पूरा भाग बना हुआ है ये भाग इसका क्या है? पूरा कोशिका का है, यानी कि कोशिका का शरीर। इसका तंत्रिका कोशिका का क्या है? ये शरीर है, अर्थात मैं कह सकता हूं इसको सेल बॉडी यानी कि सेल यानी कोशिका, बॉडी यानी शरीर। कोशिका का ये क्या होता है? तरीके से शरीर होता है। इस कोशिका का ऐसे छोटे छोटे तंतु निकले हुए होते हैं, ये धातु नुमा ऐसे तंतु होते हैं। ये कोशिका का ऐसे ये छोटे छोटे तंतु निकले हुए होते हैं और ये शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में इनकी शाखाएं बनी हुई है, छोटे छोटे तंतुओं की शाखाएं पाई जाती है। इन शाखाओं को ये कार्य जो होता है ये उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर ले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि यहां से उद्दीपनों को ग्रहण करना भाई संवेदनाओं को, तो यहाँ धागे में प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि इसी तरीके से अगर दूसरी जैसे एक और जैसे इस तरीके से मैं बना दूं साके नुमा, तो यहाँ से इसमें क्या है दूसरी इस तरीके से एक कोशिका का रूपांतरण हो जाएगा। तो यहाँ से कोशिका बनी हुई है यहाँ से, तो इसका प्रवर्त इसके साथ में जुड़ता है डियर स्टूडेंट। तो जब ये प्रवर्त जुड़ेगा तो हमें संवेदना प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक संवेदना का सवाल है तो ये संवेदना को ग्रहण करके प्रवर्त जो होते हैं संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। संवेदनाएं ग्रहण की जाती है इनसे और ये कोशिका काय की ओर संवेदना ये धागे का क्या करते हैं कोशिका काय की ओर, ये कोशिका का शरीर है इसकी ओर यहाँ पर भेजते हैं। यहाँ से संवेदना तंत्रिका से होते हैं सिनेप्टिक पुटिका में जाती है। यहाँ से डियर स्टूडेंट एक बार इस डायग्राम को समझ लेते हैं।
जो भी उद्दीपन है, जैसे बाहर से कोई भी उद्दीपन प्राप्त हो रहा है तो वो कोशिका के माध्यम से ध्रुमाशय के माध्यम से आता है। ध्रुमाशय उसको ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद में कोशिका काय की ओर भेजते हैं। कोशिका काय से संवेदना तंत्रिका अक्ष में होते हुए और तंत्रिका अक्ष में होते हुए ये तंत्रिका अक्ष के सिरों की ओर जाती है। इन सिरों को जाने के बाद में पीछे सिनेप्टिक नॉब होती है। इन सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती हैं। इन सिनेप्टिक पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक पदार्थ पाया जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये मानव के शरीर को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संवेदना को भेजता है और फिर उस उद्दीपन के प्रति हम लोग कार्य करने के लिए जागृत होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी संपूर्ण कार्य क्षमता होती है। तो उद्दीपनों को पहचानना और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो तंत्रिका कोशिकाओं की ही होती है। इन तंत्रिका कोशिकाओं में मैं फिर यहाँ पे आता हूँ उसके फर्स्ट पॉइंट पे। तंत्रिका कोशिका में कोशिका काय सेल बॉडी, तो ये भाग इसका कोशिका काय वाला भाग होता है। इस भाग को हम साइटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन भी कहते हैं। ये भाग इसका क्या कहलाता है? पूरा भाग साइटोन कहलाता है। इसका पूरा भाग ये साइटोन कहलाएगा। आप देख सकते हो ये जो भाग है ना, ये भाग में देखना यहां से यहां तक, ये भाग इसका क्या कहलाता है? साइटोन। ये भाग इसका साइटोन कहलाया जाएगा। और ये केंद्रक और प्रारूपिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। साइटोन वाले भाग में केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य भी होता है, प्रारूपिक कोशिकाओं में भी होते हैं। इन प्रारूपिक कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इसी भाग में कोशिका काय वाले में क्या है? निसेल ग्रेन्यूल। ये निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं के इसके कोशिका काय के अंतर्गत ही होते हैं। कोशिका काय में निसेल ग्रेन्यूल भी होता है, उसके अलावा केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य तंत्रिका द्रव्य भी भरा हुआ होता है इसके अंतर्गत और केंद्रक भी पाया जाता है। तो ये तो हो गया कोशिका काय। दूसरा भाग आता है इसका द्रुमाशय डेंड्रोन। द्रुमाशय यानी कि धागे नुमा संरचना, ये प्रवर्ध बाहर के जो भाग है ये धागे नुमा प्रवर्ध होते हैं। ये कोशिका काय से निकले हुए छोटे छोटे तंतु होते हैं, धागे होते हैं। इस तरीके से कोशिका काय से निकलने वाले धागे होते हैं, ये धागे होते हैं। कोशिका काय से निकले छोटे छोटे तंतु होते हैं और शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे शाखा होती है, एक एक शाखा में से दो और निकलते हैं, दो में से चार, चार में से आठ, इस तरीके से ये शाखाओं में बने हुए होते हैं। और ये उद्दीपनों को कहां भेजते हैं? कोशिका काय की ओर भेजते हैं। तो ये द्रुमाशय उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और उद्दीपनों को ग्रहण करने के बाद में कोशिका काय तक भेजने का कार्य करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनके बाद में आता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष जो होता है, तंत्रिका अक्ष, ये जो भाग है लंबा बेलनाकार प्रवर्त होता है, इसका तंत्रिकाक्ष कहलाता है, अर्थात एक्सॉन। ये जो लंबा भाग है बीच में, ये बेलनाकार प्रवर्त होता है, इसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और ये तंत्रिकाक्ष जो होता है ये कोशिका काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को शुरू कर एक धागे नुमा संरचनाएं बनाने का ये कार्य करता है। डियर स्टूडेंट्स, तो तंत्रिकाक्ष की जो प्रक्रियाएं होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो प्रक्रियाएं एक तरीके से ऐसी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं कि ये इनमें सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिकाक्ष वाला जो भाग होता है, इन तंत्रिकाक्ष वाले भाग में पीछे की ओर तंत्रिकाक्ष सिरे होते हैं जिनमें सिनेप्टिक नॉब बनी हुई होती है। ये सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती हैं डियर स्टूडेंट। सिनेप्टिक पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ जो होते हैं हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदेशों को पहुंचाने का कार्य करते हैं और पहुंचाने के बाद हमें संवेदनाएं ग्रहण होती हैं जिनके बाद में हम लोग उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो सूचना संवेदनाओं को ग्रहण करने में तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डियर स्टूडेंट्स, तंत्रिका कोशिका के बाद में जो अगला जो टॉपिक जो शुरू होता है उसके बाद में होता है इसका तंत्रिका तंत्र की कार्य, यानी तंत्रिका तंत्र कार्य कैसे करता है, नर्वस सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो नर्वस सिस्टम जो कार्य करता है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कई प्रकार की तंत्रिकाएं जो होती हैं, ये कई प्रकार की तंत्रिकाएं मिलकर के कड़ीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु के साथ जोड़ती हैं। तो ये क्या करती हैं? मस्तिष्क व मेरुरज्जु के साथ में जोड़ने का कार्य करती हैं। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों ही संवेदनाओं के केंद्र होते हैं। सबसे ज्यादा मस्तिष्क होता है, इसके बाद में मेरुरज्जु होता है। यहां से संवेदना मेरुरज्जु में होते हैं, उसी के मस्तिष्क को जाती है और मस्तिष्क में हम इनके प्रति क्या करते हैं? संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो संवेदी तंत्रिकाएं प्रेरित होती हैं,
संवेदना को ग्रहण करने के शरीर में जो होती है वो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। इन संवेदी तंत्रिकाओं को हम देख सकते हैं, हमारे जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं इनमें अत्यधिक सक्षम होती हैं संवेदी तंत्रिकाएं। ज्ञानेंद्रियों में हम जानते हैं प्रमुख रूप से जैसे त्वचा, नेत्र, कान, जीभ, ये जो होते हैं आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये सभी क्या है ज्ञानेंद्रियां होती है। और इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से डियर स्टूडेंट्स हम संवेदना बाह्य संवेदनाओं का अनुभव कर पाते हैं। त्वचा पर यदि कोई हल्की सी वस्तु का स्पर्श हो रहा है तो हम आसानी से, अब वो संवेदना कहां, शरीर में हमारी त्वचा के नीचे तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है। इन तंत्रिका कोशिकाओं में ध्रुवाशु वाले भाग होते हैं, ध्रुवाशु के माध्यम से हम संवेदना को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद सूचना को कहां भेजता है डियर स्टूडेंट, कोशिका काय को भेजता है। कोशिका काय से संवेदनाएं सीधे तंत्रिका अक्ष में होते हुए पिछले भाग में इसके तंत्रिका अक्ष सिरे में पहुंच जाती है। तंत्रिका अक्ष सिरे वाले भाग में सिनेप्टिक नर्व पाई जाती है। सिनेप्टिक नर्व में डियर स्टूडेंट सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं। सिनेप्टिक पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक पदार्थ पाया जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर नामक जो पदार्थ होता है ये मानव के मस्तिष्क को संवेदनाओं को पहुंचाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संवेदनाओं को पहुंचाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से विद्युत रासायनिक आवेग के जरिए संपादित किया जाता है इन क्रियाओं को। इनके बाद में अगला जो टॉपिक जो शुरू कराने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट इसके बाद में, वो है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र वो तंत्र होता है कि मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इन हार्मोनों की जो प्रक्रिया होती है डियर स्टूडेंट वो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को प्रेरित करने की होती है। तो इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र का, इसमें हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स अगला जो अपना इसमें अंतःस्रावी तंत्र आता है। अंतःस्रावी तंत्र यानी कि यह तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर के शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। अंतःस्रावी तंत्र जो होता है हमारे तंत्रिका जो तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसके साथ में मिलकर के शरीर की कोशिकीय क्रियाओं के मध्य में संबंध यानी रिलेशन बनाने का कार्य करता है। और यह जो तंत्र होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या है, यानी कि मानव के शरीर में जीवों के शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जो बिना नलिका की सहायता के सीधे रुधिर में ही हार्मोनों को स्रावित कर देती हैं, ऐसी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां या नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। स्टूडेंट मैं एक बार फिर परिभाषित कर रहा हूं अंतःस्रावी तंत्र को, ऐसी ग्रंथियां जो जीवों के शरीर में बिना नलिका की सहायता के सीधे ही रुधिर में हार्मोनों का श्रावण करती हूं, ऐसी ग्रंथि को अंतःस्रावी या नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। जीवों के शरीर में अर्थात मानव के शरीर में जो पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों में डियर स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि की। डियर स्टूडेंट हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है ये मानव के अग्र मस्तिष्क वाले भाग में होती है। अग्र मस्तिष्क वाले भाग में जो भाग होता है डायनसेफेलोन, अग्र मस्तिष्क के भाग में डायनसेफेलोन वाला जो भाग होता है इसके आधार भाग पर स्थित होती है, ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। और यह ग्रंथि मानव का जो अग्र मस्तिष्क वाला जो भाग होता है इसमें भाग होता है डायनसेफेलोन, और डायनसेफेलोन वाले के आधार भाग में ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है। डियर स्टूडेंट इसके बाद में ये जो ग्रंथि है इस ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोनों पर यह नियंत्रण करने का कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मानव के शरीर की जो पीयूष ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। और ये मास्टर ग्रंथि पर नियंत्रण कौन रख रहा है, हाइपोथैलेमस, इसलिए जो इस पर भी नियंत्रण रखने वाली ये ग्रंथि क्या हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, हेडमास्टर ग्रंथि।
हेडमास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको, किसको? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अग्र मस्तिष्क के डायसेफेलन वाले आधार भाग में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन पर इसका नियंत्रण करने का कार्य होता है। दो प्रकार के हार्मोन प्रेरित करती है, पहला हार्मोन है मोचक हार्मोन और दूसरा है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन क्या करता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं, पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्राव करने के लिए प्रेरणा जागृत करती है। मोचक हार्मोन क्या करती है, पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके लिए प्रेरणा जागृत करने का कार्य करते हैं, हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करना। और दूसरी निरोधी, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन है उनको रोकने का कार्य करती है, निरोधी यानी रोकना। दूसरी ग्रंथि आती है मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है, दूसरी ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पीयूष ग्रंथि जो होती है इसमें अग्र भाग जो होता है, अग्र पीयूष वाला भाग होता है, इसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और पश्च भाग जो होता है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। यह मानव के शरीर में ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है और ये मानव के शरीर की लंबाई को प्रेरित करने का कार्य करती है। यदि इसके स्रावित होने वाले हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा पिट्यूटराइन हार्मोन का निष्कासन होता है और यह हार्मोन जब सामान्य से कम रह जाता है तो व्यक्ति बौना रह जाता है, और जब इसकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो व्यक्ति सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है। उसके अलावा पीयूष ग्रंथि और भी कई हार्मोनों को प्रेरित करने का कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वृद्धि हार्मोनों में सोमेटोट्रोपिन, उसके बाद में प्रोलैक्टिन, उनके बाद में वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, इस प्रकार इन हार्मोनों को प्रेरणा जागृत करती है, इन हार्मोनों को उत्पन्न करने का कार्य करती है। तीसरी ग्रंथि आती है पिनियल ग्रंथि, ये भी अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है और इसका कार्य होता है मेलेटोनिन हार्मोन निष्कासित करना। मेलेटोनिन हार्मोन निष्कासित होता है। डियर स्टूडेंट्स, मेलेटोनिन हार्मोन का इसके द्वारा निष्कासन होता है और यह हार्मोन मुख्य रूप से दैनिक क्रियाओं के लिए नियमन का कार्य करती है, जिसमें सोने और जागने की क्रिया, सोने व जागने की क्रिया, यानी कि इन दोनों क्रियाओं को प्रेरित करती है। नींद आती है, नींद के लिए प्रेरणा जागृत करना पीनियल ग्रंथि का होता है, और जगाने का कार्य भी इसी ग्रंथि का होता है। इसके बाद में अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। मनुष्य की जो श्वास नलिका होती है इस नली के दोनों ओर स्थित होती है, और ये जो ग्रंथि होती है इसे स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने वाला हार्मोन है इससे थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये हमारी उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य थायरोक्सिन हार्मोन का होता है मुख्य रूप से, और ये आरबीसी कणिकाओं के निर्माण में भी मदद करता है। आरबीसी कणिकाओं के निर्माण में मदद करने का कार्य करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसके लिए निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, डियर स्टूडेंट, आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी अगर होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन का बनना कम हो जाता है, और इसकी कमी से आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। तो थायरोक्सिन के निर्माण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। आहार में नियमित रूप से आयोडीन लेना चाहिए हम लोगों को, यदि कमी आ जाएगी तो गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। इसके बाद में अगली जो ग्रंथि आती है वो ग्रंथि आती है डियर स्टूडेंट पैराथायराइड ग्रंथि, और पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है ये ग्रंथि भी थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर होती है। हमारा जो भाग होता है श्वास नली के इसमें थायराइड होती है, इसके ठीक पीछे की ओर, डियर स्टूडेंट, इसके ठीक पीछे की ओर थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे की ओर पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और इसे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन होगा, पैराथार्मोन हार्मोन इससे निष्कासित होता है। डियर स्टूडेंट, पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है, पैराथार्मोन हार्मोन होता है, और इसका निष्कासन होने के बाद में ये शरीर के अंतर्गत कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियमन करता है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो टिटेनी रोग हो जाता है, टिटेनी धन स्तंभ की तरह होता है, टिटेनी रोग हो जाता है। तो ये पैराथायराइड ग्रंथि, इनके
बाद में अगली जो ग्रंथि आती है डियर स्टूडेंट वो आती है अग्नाशय ग्रंथि। मानव शरीर की जो अग्नाशय ग्रंथि होती है इससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि मानव के शरीर के अंतर्गत अग्नाशय ग्रंथि जो होती है इंसुलिन ग्लूकागॉन हार्मोन का निष्कासन करती है। अंशांश हम देख सकते हैं मिश्रित ग्रंथि कहां क्यों जाता है, क्योंकि अंतःस्रावी रूप में कौन से हार्मोन निष्कासित करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और बहिस्रावी रूप में अग्नाशय रसों का निष्कासन करती है। इसलिए अंतःस्रावी निष्कासन भी होता है, बहिस्रावी निष्कासन भी होता है, इसलिए अग्नाशय ग्रंथि को डियर स्टूडेंट मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ये मानव के शरीर में क्या होता है इनमें कि मानव के शरीर के अंतर्गत अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जैसे ग्लूकोज जो होता है उस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। अब ये इसको ग्लूकोज जो है उसका ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य करता है इंसुलिन हार्मोन, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है ग्लूकागॉन। अब यदि इनमें से कोई भी हार्मोन यदि कम या ज्यादा हो जाता है, उदाहरण के तौर पर यदि इंसुलिन हार्मोन अगर कम हो गया तो ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि ग्लूकागॉन कम हो गया तो ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में मानव के शरीर के अंतर्गत है ना इनकी अनियमितता आ जाती है। शरीर में जो शर्करा होती है ब्लड के अंतर्गत रुधिर में, उस शर्करा की मात्रा का अत्यधिक हो जाना, और जब शरीर में शर्करा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है डियर स्टूडेंट, तो उसके बाद में रोगी हो जाता है डायबिटीज का पेशेंट, डायबिटीज या मधुमेह रोग का ग्रसित, मधुमेह। तो डियर स्टूडेंट जब मधुमेह रोग जो होता है इसमें क्या होता है, मानव के रुधिर में शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो मधुमेह का ग्रसित हो जाता है। इससे बचाव के लिए फिर क्या किया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके बाद में अपनी अगली ग्रंथि आती है एड्रिनल अधिव्रत ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये मानव के व्रकों के ऊपर स्थित होती है। मनुष्य का जो व्रक वाला जो भाग बताया था हम लोगों ने, उस व्रक का ऊपरी भाग जो है इस भाग पर अधिव्रत ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए इसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। ये मानव के शरीर के अंतर्गत अधिव्रत ग्रंथि जो होती है, इस ग्रंथि ये व्रकों के ऊपर होती है और दो प्रकार के हार्मोनों का निष्कासन करती है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, यानी कि एड्रिनलिन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दो प्रकार के हार्मोनों का निष्कासन करती है। ये ग्रंथि जो होती है एड्रिनलिन यानी एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है, हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थिति में सामना करने के लिए तैयार करती है। ये स्टूडेंट संकटकालीन परिस्थिति में सामना करने के लिए तैयार कैसे करते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, जाते समय अचानक हमारी नजर एक शख्स के ऊपर पड़ जाती है तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी कि अब क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में सामना करने के लिए हम तुरंत निर्णय लेते हैं, या तो हम लोग वहां से भागेंगे या फिर हम उसका सामना करेंगे। ये कंडीशन जो होती है यानी कि तुरंत सामना करने के लिए तैयार करना, संकटकालीन परिस्थिति में सामना करने के लिए हमें तैयार करती है, इसलिए इसको हम संकटकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनलिन ग्रंथि को, इसको करो या मरो हार्मोन से स्रावित होने वाला हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है, इसलिए इस ग्रंथि को करो या मरो ग्रंथि भी कहते हैं। आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगली है थाइमस ग्रंथि। मानव के शरीर में अगली जो ग्रंथि पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, और थाइमस ग्रंथि जो होती है यह ग्रंथि महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। यह कहां होती है, महाधमनी के ऊपरी भाग में, महाधमनी के ऊपरी भाग में यह स्थित होती है थाइमस ग्रंथि। और इसे स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है वो थाइमोसिन होता है। स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, थाइमोसिन हार्मोन का निष्कासन होता है थाइमस ग्रंथि से। ये पेप्टाइड हार्मोन का निष्कासन करती है और ये छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, छोटे बच्चों में विकसित होती है ये। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ डियर स्टूडेंट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बच्चा बढ़ता चला जाता है तो ये ग्रंथि जो होती है वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाती है। इसके बाद में वृषण और अंडाशय, ये दोनों ग्रंथियां जो है इनके बारे में हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है डियर स्टूडेंट्स। वृषण और अंडाशय
से दोनों ग्रंथियां जनन ग्रंथि होती हैं और इनमें वृषण जो ग्रंथि होती है ये नर जनन ग्रंथि कहलाती है और एक विशेष प्रकार का हार्मोन का निष्कासन करते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। वृषण ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निष्कासन करती है शरीर के अंतर्गत, नर जनन ग्रंथि कहलाती है और ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। दूसरी है अंडाशय, अंडाशय द्वारा जो होती है इनके द्वारा जो जनन हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन और ये अंडाणुओं का निर्माण करती है। तो वृषण नर जनन ग्रंथि होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निष्कासन करती है, हार्मोन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय जो होती है ये मादा जनन ग्रंथि होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का निष्कासन करती है और ये अंडाणुओं का निर्माण करने का कार्य करती है। इनके बाद में मादा के अंतर्गत ये मासिक चक्र का नियंत्रण और गर्भधारण की जो क्षमता होती है उसके लिए भी प्रेरणा जागृत करती है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद में अपने जो अभ्यास प्रश्न है बुक्स के बुक देखें, उसमें अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और ये चैप्टर दूसरा जो चैप्टर है मानव का मानव तंत्र ये पूरा हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को आप घर पर हल करने का प्रयास करें। यदि कोई अभ्यास प्रश्न आपकी समझ से बाहर है तो उसके लिए आप मुझसे मेरे नंबर पर्सनल नंबर 7976781738 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रहने के साथ साथ नियमित रूप से आप लोग अध्ययन करें। धन्यवाद। यहां से आगे का जो चैप्टर है वो मैं अगले चैप्टर में अगले दिन कराऊंगा। धन्यवाद।